उपाध्यक्ष महोदय, मेरी व्यक्तिगत राय है कि सत्ता और अधिकार के संदर्भ में और भी अधिक स्पष्ट विभाजन रेखा होनी चाहिए थी, ताकि राज्य सरकारों को बचाव का कोई रास्ता ना मिल सके। लेकिन इस प्रस्ताव पर विचार करने का काम लोकसभा का है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 30,000 पंचायतों और 2,00,000 से अधिक पंचों का चुनाव कराना बहुत बड़ा काम था। हमने अपना चुनाव आयोग और वित्त आयोग बनाया, लेकिन लोगों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें पर्याप्त महिला उम्मीदवार नहीं मिल सकेंगी। राजीव गांधी ने गांव की श्रेणीबद्ध प्रथा को ठीक ही देखा था कि गांवों में कमजोर वर्ग के लोग कभी भी उस स्तर पर सत्ता में भागीदारी का अवसर नहीं पा सकेंगे। हमारे सामने एकमात्र विकल्प यह था कि महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए सीटें सुरक्षित कर दें। इसलिए हमने यह आरक्षण देने का काम शुरू किया। लेकिन यह प्रश्न उठाया गया है कि किस प्रकार अलग अलग चुनाव निशानों सहित 4 अलग अलग पेटिकाओं में एक निरक्षर ग्रामीण यह जान सकेगा कि पंच के लिए हवाई जहाज के निशान पर, सरपंच के लिए डोलची के निशान पर, ब्लॉक सदस्य के लिए बैलगाड़ी के निशान पर वोट डाला जाए। फिर भी हम अपने कार्यक्रम के अनुसार चलते रहे। हमारे पास अलग अलग रंगों के मत पत्र थे और आश्चर्य है कि मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार का चयन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई है। हालांकि इस चुनाव में कुछ पैनल भी थे। प्रत्येक शक्तिशाली व्यक्ति के पास पंच से लेकर जिला परिषद सदस्य का अपना पैनल था। इस घटना से भारतीय मतदाता की परिपक्वता का पता चलता है। इससे यह पता चलता है कि एक निरक्षर भारतीय नागरिक के पास सामान्य समझ और प्रतिभा की कमी नहीं है। हमने प्रक्रिया जारी रखी और चुनाव संपन्न हुए। जब सत्ता के हस्तांतरण की बात आई तो उन वर्गों ने जो पंचायतों के साथ सत्ता की हिस्सेदारी में हिचकिचाहट दिखा रहे थे, इस विषय को फिर उठाया और राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होने से 2 दिन पूर्व मेरे कुछ सहकर्मी मेरे पास आए और उन्होंने पूछा, क्या आप सचमुच इस मामले के प्रति गंभीर हैं? मैंने, यह एक ऐसा वचन है जो हमने स्वयं ही कहा है और इससे पीछे हटने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उपसभापति जी, भारत ने अगली पीढ़ी के लिए, हमारे इतिहास के निर्माण के लिए पहला कदम उठा लिया है। दशकों से चली आ रही केंद्रीकृत आर्थिक नीतियों के उपरांत
भारत ने हाल में एक सुधार कार्यक्रम शुरू किया है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, व्यापार व उदारीकरण और आर्थिक क्षमता का पूरा उपयोग हो सके। हमने निजी निवेश और प्रतियोगिता का स्वागत किया है और खुले बाजार के विकास को बढ़ावा दिया है। इसके फलस्वरूप भारत विश्व में स्पर्धा में टिकने में सक्षम हुआ है और हमारे नागरिकों का जीवन स्तर धीरे धीरे ऊंचा उठ रहा है। इन सुधारों की गति से भारत वर्तमान शताब्दी में विश्व के अकेले सबसे बड़े खुले बाजार के रूप में उभरेगा। संभवतः भारत के महत्वाकांक्षी आर्थिक सुधार कार्यक्रम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि बड़े ही सहज ढंग से एक बंद और संरक्षित अर्थव्यवस्था एक खुली निर्यातोन्मुख अर्थव्यवस्था के रूप में बदली है। 3 वर्षों की अल्प अवधि में दूरगामी परिवर्तन किए गए हैं। इसके साथ ही सामाजिक व्यवस्था पर पड़ने वाले गंभीर परिणामों के निराकरण के लिए तत्काल कारगर कदम उठाए गए हैं। इन कदमों तथा आम तौर पर भारत की विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओं की सहमति के फलस्वरूप इन सुधार प्रक्रिया को अपनी एक विशिष्ट गति मिली है। भारत में हो रहे इन परिवर्तनों का भारत अमेरिकी आर्थिक संबंधों पर काफी प्रभाव पड़ा है और इनसे दोनों देशों को लाभ हुआ है। नए आर्थिक संबंध बनाने के क्षेत्र में अमेरिकी फर्में अग्रणी रही हैं। भारत का विशाल घरेलू बाजार, विशाल शिक्षित कुशल और अर्ध कुशल श्रम शक्ति, सुदृढ़ वित्तीय संस्थाएं और समय की कसौटी पर जांची परखी जाती लोकतांत्रिक व्यवस्था, इन सबने मिलकर अग्रगामी कंपनियों को निवेश के विशाल अवसर प्रदान किए हैं। वर्तमान शताब्दी के लिए अपने इतिहास की रचना करते समय हमें भिन्न देशों के साथ और अधिक व्यापार की ओर ध्यान देना होगा। पिछली आधी शताब्दी की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना दुनिया में विनाशकारी आयुधों का निर्माण है। नाभिकीय आयुधों के प्रसार के गठित और जटिल प्रश्न पर प्रभावकारी ढंग से तभी विचार किया जा सकता है जब उनकी विश्वव्यापी संहार क्षमता पर विचार करें और इसी तरह इनके विश्वव्यापी समाधान भी खोजें। प्रत्येक राष्ट्र चाहे बड़ा हो या छोटा संप्रभुता संपन्न होता है। यह राष्ट्रों का उत्तरदायित्व है कि वे वर्ण, धर्म अथवा जाति का ध्यान किए बिना कानून के अंतर्गत अपने सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करें।